में खुजली नहीं हो रही और बुखार भी नहीं आज, तो आज थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। तो आज का दिन शुरू कर रहा हूँ दोबारा खिचड़ी से। तो हाँ, बस ये गले में भी हो रहे हैं ना पूरे दाने। तो आज 29 दिसंबर है, तो 2 दिन बाद नया साल आने वाला है। ऐसे आपको आजकल के व्लॉग काफ़ी बोरिंग लग रहे होंगे, बिकॉज यही बेड पे बैठा हूँ, यहीं पर खिचड़ी खा रहा हूँ, रोज खिचड़ी व्लॉग बन रहे होंगे। और हाँ, मेरा ना मैं बीएड पे ट्रिम नहीं कर पा रहा, बिकॉज यहाँ पर दाने दाने हो रहे हैं ना, ट्रिम करूँगा तो उस पर हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी, तो फिर निशान रह जाएगा इसलिए। बट गाइज मैं एक चीज़ सोचता हूँ, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मैं बेड रेस्ट पे हूँ ना, मैं 10-15 दिन का जितने दिन के लिए भी, ये अच्छे के लिए ही है। अगर मैं कहीं और होता तो मेरे साथ में कुछ बुरा और बुरा हो जाता था। तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ ये भी है जो भी अच्छे के लिए है, मैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इतने सालों से रेस्ट ही नहीं लिया था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ये सबके लिए कीजिए ना। अच्छा, हरिंदर पापा जी के लिए, ये देखो यूट्यूब का यूट्यूब नंबर वन। ओ, बड़ी मम्मी के लिए एच हेमा, एस फॉर साहिल, एस फॉर सौरव। कुनाली नहीं आया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे भाई, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ये पागल हो गया, ये क्या हो गया? हाँ, बस प्रे करना, प्रे कर रहे हो। हाँ, जल्दी ठीक हो जाए, दाने ठीक हो जाए, फिर मैं आराम से बाहर घूमूंगा, मस्त मम्मी पापा पूरी फैमिली साथ में, मस्त गाड़ी भी चलाएंगे, तो मस्त से ब्लॉग बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच प्रे करने के लिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर सबको। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।